तो गाइस जैसे कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग किया जाता है, तब अर्निंग किया जाता है जब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फेस वैल्यू बनता है, अच्छे खासे फैन फॉलोइंग्स होता है, तो अर्निंग होता है। सभी प्लेटफॉर्म में इनकम होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यूट्यूब पर इनकम होता है। लेकिन गाइस अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा इस चैनल में इसी तरह वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर स्क्रीन में मिल जाएगा, मास्ट फॉलो कर लेना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया जो क्रिएटर होता है, जो नए नए क्रिएटर होता है, उन लोगों को सिर्फ यही दिक्कत होता है भाई वीडियो वायरल करना होता है। क्योंकि गाइस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है मोस्ट जो पॉपुलर, चाहे फेसबुक बात करो, इंस्टा का बात करो या यूट्यूब का बात करो, ये सारा जो प्लेटफॉर्म होता है, इसमें अगर आप एक नए क्रिएटर हो, अब नया चैनल क्रिएट करके, नया अकाउंट क्रिएट करके आप इंस्टेंट ग्रो कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी सारा क्रिएटर बन चुका है, जिस वजह से हम लोग को कुछ यूनिक करना होता है। उसी तरह जो भी कंटेंट आप ढूंढना चाहो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इस वजह से नए नए जो क्रिएटर जुड़ रहा है, नए नए जो क्रिएटर आ रहा है, तो उन लोग को दिक्कत सिर्फ यही होता है भाई वीडियो को वायरल करना होता है। वीडियो वायरल करने के लिए कुछ यूनिक करना होता है। तो गाइस यही तो एक फंडा होता है नए नए जो क्रिएटर होता है, वो लोग ज्यादातर वीडियो वायरल करने का चक्कर में कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि यूनिक क्या करना। सभी क्रिएटर मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मैं इस चीज़ को अगर करूँ ये सबसे ज़्यादा यूनिक है, बट वही चीज़ को यूट्यूब पर जाके सर्च करके देखो वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वजह से हम लोग कुछ यूनिक करने का चक्कर में कुछ ऐसे तैसे काम कर बैठता हूँ जो बाद में रियलाइज़ होता है, जो मैं ये काम अगर नहीं करता तो अच्छा होता, मैं यूट्यूब चैनल को ग्रो कर पाता या और भी दूसरा कोई प्लेटफॉर्म पर मैं सक्सेस हो पाता। तो इस वजह से अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हो, कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर हो, तो आपको ये सारा पॉइंट आपको फॉलो करना है। जैसे कि लाइक हो गया, आप अगर वीडियो वायरल करना चाहते हो किसी के बारे में रोस्ट करो या एक्सपोज करो, यूट्यूब पर काफ़ी सारा ऑलरेडी है, सभी क्रिएटर का साथ में रोस्टेड किया जाता है, एक्सपोज वीडियो बनाया जाता है। बट आप रोस्टेड करो किसी के बारे में, एक्सपोज वीडियो बनाओ, वीडियो वायरल हो रहा है तो हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन गाइस आप किसी के बारे में कंट्रोवर्सी या किसी के बारे में झूठा मूठा मैसेज आप मत बोलो। किसी को बदनाम करने का हक किसी को नहीं होता है। आप रोस्टेड कर रहे हो करो, कॉमेडी जैसा रोस्टेड कर सकते हो, काफ़ी सारा यूट्यूब पर वीडियोस है। बट बहुत ऐसे क्रिएटर को देखा हूँ, या सिर्फ यूट्यूब का बात नहीं है, अलग जो सोशल मीडिया क्रिएटर होता है वो भी इसी तरह, मतलब किसी के बारे में ऐसे गंदे गंदे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, या किसी के बारे में बदनाम कर रहा है, किसी को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, मतलब झूठा मूठा मैसेज फैला रहा है। रियली में देखा जाए तो वो मैसेज सही नहीं है। तो इस तरह मत करो। क्यों की गई मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। रिसेंट में हाल ही में एक न्यूज़ सुनने को मिला था, आप सभी को बताए, एक यूट्यूबर जिसका नाम है गौरव जून, जैसे चैनल बड़ा चैनल है, मतलब वीडियो भी वायरल होता है, क्योंकि इसका कैटेगरी जो चैनल का कैटेगरी है उसी तरह है जो वायरल होता है वीडियो, क्योंकि ये ब्लॉगिंग करता है। तो इसको रिसेंट में हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों किया भाई, इतना बड़ा चैनल है, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, अच्छे खासे वीडियो वायरल होता है, अच्छे खासे इनकम भी कर लेता है, तो इसको अरेस्ट क्यों किया गया है। तो गाइस इसको अरेस्ट किया गया है, ये उसी तरह एक काम किया कर बैठा है जिस वजह से इसको अरेस्ट किया गया है। तो गाइस इन्होंने एक ब्लॉग में वीडियो अपलोड किया था, तो इसको देखा जाए सही में वो ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि उसका एक डॉग था, उस डॉग को जो हम लोग का बैलून उड़ाता हूँ हवा में, तो ऐसे में बैलून तो उड़ता नहीं है, उसका अंदर में अगर गैस डाला जाए तो गैस डाल के अगर उड़ाया जाए तो ऑटोमेटिक उड़ेगा, क्योंकि उसका अंदर में गैस डाला हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, 3-4 ऐसे बैलून में गैस डाला अंदर में, उसके बाद एक ही साथ में उसको ज्वाइंट करके उस डॉगी का साथ में बांध दिया। बांधने से क्या होता है, वो बैलून तो हवा में उड़ रहा है क्योंकि उसका अंदर में गैस डाला हुआ है, तो गैस डाला हुआ है तो डॉग भी साथ में बांधा हुआ है, तो ऐसे में डॉग को भी हवा में उड़ा रहा है। तो ऐसे में रिस्क यही होता है, एक मतलब पशु पक्षी को लेकर के ऐसे छेड़खानी नहीं करना है, ऐसे एक समाज को एक गंदे मैसेज जाता है, बस इतना ही है। क्योंकि गैस बैलून जो होता है वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता है, इसका वजह यही है, जो अंदर में गैस डालने से वो गैस बैलून जो है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, उसके बाद में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, जिस वजह से वो जो डॉग बंधा हुआ है उसको खतरा या कोई इंजोर्ड कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकता है, क्योंकि कितना ऊंचाई तक वो जा रहा है वो तो उन्हीं को पता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप गौरव जून का चैनल सर्च करना, उसका वीडियो भी चैनल में है या नहीं है, मैंने उतना ट्राई नहीं किया, बट आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस वजह से
उसका जो हेटर्स है काफी सारा बन गया, ट्वीट भी बहुत सारा होने लगा, जिस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। सिर्फ ऐसा केस नहीं है, और भी कुछ महीना पहले जाओ आप लोगों को और एक केस देखने को मिलेगा, जो मुंबई में एक बंदे को अरेस्ट किया था जिसका 10-12 चैनल था, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको भी अरेस्ट किया गया था, जो एक न्यूज़ चैनल था उसका, वो न्यूज़ में अक्षय कुमार को लेकर के एक गलत मैसेज बोल दिया था, जिस वजह से उसका ऊपर एक केस हो गया था। ये सारा जो चीज़ हो रहा है, इससे हम लोग को यही सीख मिलता है, जो नए क्रिएटर है उन लोगों को ज़्यादातर फैक्ट होता है, तो हम लोगों को यही सीख इससे क्या मिलता है, जो हम लोग वीडियो वायरल करने का चक्कर में कुछ यूनिक कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी के बारे में कंट्रोवर्सी या रोस्टेड कर रहा हूँ लिमिट में रह के करना चाहिए। या तो आप किसी के बारे में रोस्टेड या कंट्रोवर्सी एक्सपोज वीडियो कर रहे करो, लेकिन जो जो वाट आप बोल रहे हो वीडियो के अंदर में, एक एक वाट बोलने के साथ साथ में आपको सोचना है, जो भाई मैं ये जो बोल रहा हूँ क्या सही है या गलत है, मैं किसी को बदनाम तो नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सोच के बोलना है, क्योंकि आपका एक ही बात आपको जेल तक ले जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा कड़क होते जा रहा है, या तो गवर्नमेंट भी आई टी रूल्स भी निकल दिया, मतलब आप सोशल मीडिया पर फेक मैसेज फैला नहीं सकते हो, शेयर भी नहीं कर सकते हो, इसमें भी आपको जरिमाना या जेल तक हो सकता है। आप भी एक नए क्रिएटर हो, आपका फैमिली फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो आप इंतज़ार करो, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, तीखा नहीं होता है, मीठा होता है, तो इंतज़ार करने से आपको फल जरूर मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका फैमिली फाइनेंस अच्छा है तो आप इन्वेस्ट करके अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली काफ़ी आपको जैसा बहुत सारा क्रिएटर है जिनका चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा है, सालों भर हो गया मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, तब भी चैनल उतना ग्रो नहीं हो रहा है, तो उन लोग ने डिमोटिवेट नहीं होता है, होता है डेफिनेटली होता है, तो ऐसे में डिमोटिवेट भी आएगा, मोटिवेशन भी फील करना पड़ेगा अंदर से, तब जाके अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकोगे। अगर आप डिमोटिवेट के साथ में काम करेंगे तो आप लोगों का माइंड में भी इस तरह ख्याल आएगा, किसी के बारे में ऐसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता हूँ, एक्सपोज कर देता हूँ, मतलब जो कुछ भी छोटा मोटा मैसेज लेकर डाल देता हूँ, वीडियो वायरल हो जाएगा, कोई डेथ हो गया, कोई मर्डर हो गया, किसी को मर्डर कर दिया, इस तरह कंट्रोवर्सी। आप किसी के बारे में झूठा मोटा मैसेज मत फैलाओ, तरह मैसेज से समाज को भी मतलब एक गलत मैसेज जाता है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ जानकारी मिला, सोशल मीडिया में क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करना है अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरह वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इधर स्क्रीन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।